ही है। ये दृश्य एक कलबुर्गी का नतीजा ये साफ दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार की धमाकेदार वापसी का निर्धार कर्नाटक ने कर लिया। ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटक के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुलेगी, तो कर्नाटक का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा। आपने अभी अभी मोदी जी का जलवा कर्नाटक में देख लिया। हमारे एक कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ता श्री अजय कुमार तिवारी जी हैं, जो अभी कर्नाटक में चुनाव के सिलसिले में उपस्थित हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अनिल जी, एक चुनाव के सिलसिले में एक वीडियो बनाइए। उन्होंने कुछ वीडियो भेजा था और कुछ वीडियो मैंने सोशल मीडिया से लेकर एक फिल्म बनाई है। तो चलिए पहले देखते हैं तिवारी जी द्वारा लिया गया एक इंटरव्यू और सुनते हैं कि एक मुस्लिम मतदाता क्या कहते हैं। हमें बीजेपी पार्टी करने इंसान अच्छा, वो आदमी को देखते हैं, अच्छा अच्छा काम हुआ हमारे टाउन में, फुल काम हुआ है। जी प्लस टू करा बाद में धर्मपुर। पूर्णिमा सिंह किस पार्टी से है? पूर्णिमा सिंह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से खड़े है। वो लोग आते हैं, हम पूरा भी उनको सपोर्ट करते हैं। पिछली बार आप लोग पूर्णिमा जी को वोट दिया था, किसी और को दिया था पिछली बार? पिछली बार हम जेडीएस में आते हैं, इधर हम क्या मालूम बीजेपी को आ गए, हमारा उनका काम देख के इधर आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। तो ये है कर्नाटक का नज़ारा। विपक्षी दल वाले और देशद्रोहियों, इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो और समझ लो कि किस तरह से हमारे भारतवर्ष का नज़ारा बदल रहा है। देखिए किस तरह से देशभक्त फूलों की वर्षा कर रहे हैं। गाड़ी का बोनेट पूरा फूलों से भर गया है। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों से भी अपार भीड़ नज़र आ रही है। विपक्षी दल कह रही है कि कर्नाटका में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और देशद्रोही नारा लगा रहे हैं कि मोदी मर जा तू। लेकिन मोदी जी कहते हैं कर्नाटका में कमल खिलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कर्नाटक वासियों से यही कहना है कि बीजेपी को वोट दें और कर्नाटक में फिर से कमल को खिलाएं।